So, be ready for the test. Today is the last test I am giving you of वाक्य भेद. पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशा अनुसार बदल कर लिखिए. इसमें जो आपके ब्रैकेट में दिए गए भेद हैं, उनके अनुसार आपको ये वाक्य बदलने हैं. Is it clear to all? Clear? Yes, ma'am. Very good. Yes, ma'am. Clear. Very nice, beta. Now start doing your test. Then we'll discuss the answers. Okay. आपका पहला प्रश्न था, सबने कर लिया ना बेटा? All have done this? Yes, yes, ma'am. First प्रश्न है आपका, विदेशी होकर भी वह हिंदी बोलती है, विस्मय में आप कैसे बात करेंगे, कैसे बोलेंगे विस्मयवाचक में? अरे वह विदेशी होकर भी हिंदी बोलती है. वेरी गुड. अरे वह विदेशी होकर भी हिंदी बोलती है. सेकेंड है, पछताने से बचने के लिए कठोर परिश्रम करो. संकेत वाचक में क्या लिखेंगे? कठोर परिश्रम करो. ठीक है, ये भी ठीक है. वेरी गुड. नेक्स्ट है आपका, सुबह होते ही फूल खिलने लगे, विस्मय में. मैम, अरे सुबह होते ही फूल खिलने लगे. जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड. ओके, ठीक है. सो इट विल बी इजी फॉर एवरीवन टू आंसर. नेक्स्ट है आपका, ताकतवर होते हुए भी वह हार गया, प्रश्नवाचक में. प्रांजल, यू? ताकत होते हुए भी क्या वह जीता, प्रश्न चिन्ह. नहीं, प्रॉपर ढंग से बनाइए, क्रम के अनुसार ढंग से लगाओ. लविष्का, ताकत तो होते हुए भी वह कैसे हार गया? नहीं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या ताकतवर होते हुए भी वह हार गया? तो परिवार आएगा आगे, क्या ताकतवर होते हुए भी वह हार गया? नेक्स्ट है आपका, हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान नहीं करूंगा, विधानवाचक में बताइए. विधानवाचक में क्या होगा? नाउ आई एम गोइंग टू आस्क अर्पित गोयनका, विधानवाचक में. हरिद्वार जाकर मैं गंगा स्नान करूंगा. शाबाश बेटा. चिड़िया यहाँ आकर दाना चुगती है, इच्छा वाचक वाक्य. सुमित, आप बताइए. सुमित, यस मैम. चिड़िया यहाँ आकर भी दाना चुगती होगी. बेटा ये किसमें कर रहा है आपको, चिड़िया वाला? इच्छा वाचक. मैम इच्छा. इच्छा वाचक में क्या करोगे आप? काश चिड़िया यहाँ दाना चुगती होगी. वेरी गुड, क्योंकि आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हो. अपनी इच्छा व्यक्त आप ऐसे ही करोगे, काश चिड़िया यहाँ आकर दाना चुगती. प्रांजल, स्वस्थ होने के साथ साथ धनी भी है. विप्रा, आप बताइए बेटा. प्रांजल होने के साथ धनी नहीं है. धनी नहीं है. वेरी गुड. नेक्स्ट है आपका, वह अपने माता पिता की सेवा करता है, इच्छा वाचक में बदलिए. और किसी काश ने किया हुआ है, बस तीन ने किया हुआ है. What about others? Wait, let me see who can answer. अवंतिका, आप बताइए बेटा. अवंतिका बताइए. काश मैं अपने माता पिता की सेवा करता. Very good, perfect answer. Now next is संपन्न होने के कारण वह अधिक खर्च करता है, निषेध वाचक में. जानकी, आप बताओ निषेध में बेटा. संपन्न होने के कारण वह अधिक खर्चा नहीं करता. अधिक खर्चा नहीं करता, परफेक्ट आंसर. उसके बाद है आपका, काश इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ते. आज्ञा भी कैसे करोगे आज्ञा वाचक में? यह पुस्तक ध्यान पूर्वक पढ़ो. इस पुस्तक को ध्यान पूर्वक पढ़ो, परफेक्ट. Now next is सुंदर दृश्य है, विस्मय वाचक में. वाह कितना सुंदर दृश्य है.
ठीक है, बिल्कुल सही आपने बोला। उसने बाजार जाकर जूते नहीं खरीदे। अर्पित, अर्पित गोयनका, उसने बाजार जाकर जूते खरीदे। जूते खरीदे, ठीक है, परफेक्ट आंसर। खेमू बर्तन साफ करता है। आज्ञावाचक में कैसे बदलोगे बेटा? नमन गुप्ता, खेमू बर्तन, नमन, खेमू बर्तन साफ करो, खेमू बर्तन साफ करो, वेरी गुड। हम घूमने जाते हैं। इच्छावाचक में काश हम घूमने जाते, घूमने जाते। नेक्स्ट है आपका, सुबह की पहली बस पकड़ने से ही समय पर पहुंचोगे। इसको आपने किस में चेंज करना है? मैम में आई संकेत वाचक, मैम बताओ बताओ बताओ। अगर तुम सुबह की पहली बस पकड़ते तभी तुम समय पे पहुंचते। वेरी गुड, बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला बेटा। अब नेक्स्ट आपका है प्रश्न यहाँ पर। ओह, भयंकर गर्मी है। वाक्य भेद बताइए इसका। मैम विस्मय वाचक, मैम विस्मय वाचक, विस्मय वाचक, शाबाश। नेक्स्ट है आपका, तुम उधर मत बैठो। तुम उधर मत बैठो, निषेध वाचक, निषेध वाचक, निषेध वाचक, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, मैं अंधेरे से नहीं डरता। निषेध वाचक, निषेध वाचक, ईश्वर आपका कल्याण करे। इच्छावाचक, इच्छावाचक, वेरी गुड। संभवतः वह आज आ जाए। ईश्वरवाचक, वह आज आ जाए, कौन सा है? ईश्वरवाचक, नहीं, संदेह है आपको, संदेहवाचक, शायद वह आ जाए, संभवतः वह आ जाए, तो आपका ही संदेह वाचक हो गया, संदेह है, इट्स नॉट क्लियर। कृपया बाएं चलिए। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक, शाबाश। वह कभी चुप नहीं रहता। निषेधवाचक, निषेधवाचक, वेरी गुड। अगर उसने झूठ बोला तो उसकी नौकरी चली जाएगी। संदेहवाचक, अगर संदेहवाचक, झूठ बोला तो उसकी नौकरी चली जाएगी। संकेतवाचक, वेरी गुड। अगर है ना, अगर शब्द आ गया, सत्य की हमेशा जीत होती है। विधान वाचक, परफेक्ट आंसर। गीता आ जाती तो रागिनी चली जाती। संकेत वाचक, संकेत वाचक, परफेक्ट। नेक्स्ट है आपका, रमेश को बुलाओ। आज्ञावाचक, 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 कितनी गंदगी है। विस्मय वाचक, वेरी गुड, विस्मय वाचक। संभवतः आज वर्षा हो जाए। संदेहवाचक, संदेहवाचक, वाचक, शाबाश। नव वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो। इच्छावाचक, 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 परफेक्ट आंसर। नाउ यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। संकेतवाचक, 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 शर्त है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आपने पाठ याद कर लिया होगा। संदेहवाचक, संदेहवाचक, वाचक, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका, यदि वह आता तो हम ले जाते। संकेतवाचक, कौन सा? संकेतवाचक, परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बिजली के तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। निषेधवाचक, वाचक। हम गरीबों को क्या निकाल रहे हो? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। भारत में तो यह स्थिति अभी आई नहीं है। निषेधवाचक, 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 वाचक, परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो बेटा,
निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए, जो यहाँ पे निर्देश दिए हुए हैं उनके अनुसार आपने वाक्यों को बदलना है। स्त्रियों का सम्मान होता है, काश स्त्रियों का सम्मान होता। मैना के चेहरे पर करुणा भाव है प्रश्नवाचक में। आयुष भट्ट क्या मैना के चेहरे पर करुणा भाव है। वेरी गुड। नेक्स्ट है गोपू दूध पीता है निषेध में। गोपू दूध नहीं पीता है। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका आ गया, क्या तुमने खूब पढ़ाई की विस्मय में। विस्मय में क्या करोगे? शाबाश तुमने खूब पढ़ाई की। अरे वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट हो गया, आज वर्षा हो रही है संदेहवाचक में। शायद आज वर्षा हो रही है। ठीक है, आपने पाठ याद कर लिया प्रश्न वाक्य में। क्या आपने पाठ याद कर लिया। वेरी गुड। आजकल भ्रूण हत्या हो रही है विस्मय में। अरे आजकल भ्रूण हत्या हो रही है। हाँ, आप अरे भी बोल सकते हो, आप घृणा भी दिखा सकते हो। छी, आजकल भ्रूण हत्या हो रही है ना। नेक्स्ट है, बिल्कुल ठीक बोला। नेक्स्ट है आपका, कहाँ गया, उनकी यात्रा मंगलमय रही। काश उनकी यात्रा मंगलमय रही। अगर काश नहीं भी बोलना तो आप अपनी इच्छा एक और तरीके से व्यक्त कर सकते हो, उनकी यात्रा मंगलमय हो। तो ये भी आपकी आशा है, ठीक है, ये भी आपकी इच्छा है। नेक्स्ट है, राम बड़ों के पैर छूओ। शाबाश। हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है निषेध में। हमारी संस्कृति अनुकरण की संस्कृति नहीं है। मुझे लगता है अब आपको ये पाठ बहुत अच्छे से याद हो गया ना।